बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियां हिंदूवादी पार्टी है, पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर दोनों ही पार्टियों में तनातनी हो रही है। जहां बीजेपी ये चाह रही है कि सीएम उन्हीं की पार्टी का हो, वहीं शिवसेना ये चाह रही है कि सीएम उनका हो, पर दोनों में से कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पा रही है, क्योंकि ना तो शिवसेना के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है और ना ही बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत है। चुनावों के नतीजे आए हुए 17 दिन हो गए हैं, पर अभी भी महाराष्ट्र में किसी की सरकार नहीं बन पाई है। सरकार ना बनने की वजह से शिवसेना दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे पहला नाम एनसीपी का आता है। कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी। सूत्रों की माने तो इस बातचीत में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से सरकार बनाने के बारे में बात की है और शरद पवार ने शर्त रखी है कि एनसीपी तभी सरकार बनाएगी तब शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन के सारे रिश्ते तोड़ देगी। तो हम आपको बताते चले कि शरद पवार की बात शिवसेना के नेता मानने भी लगे हैं, क्योंकि शिवसेना कोटे से मोदी सरकार में रहे मंत्री अरविंद सावंत ने सोमवार को इस्तीफा देने का ऐलान किया है। शिवसेना नेता और केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार किया गया था। शिवसेना और बीजेपी दोनों आश्वस्त थे, अब इस फॉर्मूले को नकारना शिवसेना के लिए गंभीर खतरा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने झूठ का माहौल बना रखा है। शिवसेना हमेशा सच्चाई के पक्ष में रही है, ऐसे में इतने झूठ के माहौल में दिल्ली सरकार में क्यों रहें? और इसीलिए मैं केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अरविंद सावंत ने ये सारी जानकारी ट्वीट कर बताई है। अरविंद सावंत ने ट्वीट के जरिए इस्तीफे का ऐलान करते हुए सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और आज सुबह 11 बजे मीडिया के सामने अपना पक्ष रखूंगा। बहरहाल इस इस्तीफे को हम गठबंधन के टूटने का पहला कदम मान सकते हैं और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के लिए पहली सीढ़ी। महाराष्ट्र की इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज़।